उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। सियासत में कौन अपना और कौन पराया कहा नहीं जा सकता। यहाँ अपने भी बगावत कर देते हैं और पराये भी कर गुजरते हैं। कमोबेश कुछ ऐसा ही आलम चिराग पासवान का है, जहाँ एक और अपनों ने दगा दे दी तो दूसरी ओर हनुमान को अपने राम से 30 के सिवा कुछ नहीं मिला। दरअसल सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चिराग से सवाल पूछा गया कि चुनाव के दौरान आपने खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था, इस वक्त जब हनुमान संकट में है तो आप किस तरह की मदद मांगेंगे राम से, तो चिराग पासवान ने जवाब दिया कि हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था, इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? हनुमान को लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। वही एलजीपी में टूट को लेकर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए चुटकी ली है। मृत्युंजय ने कहा कि कलयुग में ऐसा पहली बार हुआ कि राम ने ही हनुमान के घर में आग लगा दी। गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चिराग पासवान लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। प्रचार के दौरान पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था। चिराग ने कहा था कि चुनाव प्रचार के लिए मुझे पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वे मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना सीना फाड़ कर दिखा दूंगा। लेकिन आलम यह चला है कि चिराग कह रहे हैं कि अगर हनुमान को मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे के राम। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।